में महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन एक महीने से टाला जा रहा है। इस प्रतियोगिता को बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही खेल प्रेमी जनता भी मैदान में है, लेकिन इसके आयोजन पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होने की वजह राज्य शासन से मिलने वाले फंड का अभाव बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष की कांग्रेस चुनावी व्यवस्था का हवाला दे रही है। आपको बता दें कि पिछले 77 सालों से ये प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन इस साल इस प्रतियोगिता के आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ तो जरूर जीत गए, लेकिन कुछ काम करने की साहस या शक्ति इनमें नहीं है। स्टेडियम पूरा नहीं हो पा रहा है, मेडिकल कॉलेज पूरी नहीं हो पा रही है। एक हॉकी का टूर्नामेंट जिसमें गवर्नमेंट को 10 से 15 लाख रुपए गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलता था, वो नहीं हो पा रहा है। इस सरकार से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये दुर्भाग्य है, और राजनांदगांव के साथ ये सरकार जो है भेदभाव कर रही है। अभी राजनीतिक सरगर्मियों बोला जाए या इलेक्शन बोले जाने, इसके कारण देर हो गई है। और फिर से ये तो हमारी छत्तीसगढ़ की या राजनांदगांव की संस्कृति है, विरासत में है, जिसको ध्यानचंद की नर्सरी कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। निश्चित रूप से फिर से हॉकी इस बार भी होगा और ये फरवरी के सेकंड वीक में होगा।